हेलो एवरीवन, दिस इज जैद मलिक एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो बच्चों, आज हम चैप्टर लीनियर इक्वेशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है बच्चों, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस फोर वाई प्लस सेवन जेड इक्वल टू एट, थ्री एक्स प्लस एट वाई माइनस टू जेड इक्वल टू सिक्स एंड सेवन एक्स माइनस एट वाई प्लस ट्वेंटी सिक्स जेड इक्वल टू थर्टी वन। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हमने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो हमें ये तीन इक्वेशंस गिवन हैं, इनकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। अब जैसे कि बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में, जिसमें हमने बात की थी कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसमें बताया था कि अगर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन मालूम हो जाए, हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लें, तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंस। और अगर हम उसका सोल्यूशन नहीं फाइंड कर पाए तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंस। तो बच्चों, यहां पर हमने यही दो जो ये पॉइंट है ये चेक करने हैं कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंस है और या फिर इनकंसिस्टेंस है। तो बच्चों, अब हमने ये बताया था कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन के तीन टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप्स होता है बच्चों, वो होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई सॉल्यूशन ना होना। सेकंड जो टाइप होता है यूनिक सॉल्यूशन, और बच्चों थर्ड जो टाइप होता है मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चों, हमने बताया था कि अगर नो सॉल्यूशन का केस है तो इस केस में मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ए बी का रैंक सेम नहीं होगा, ठीक है, रैंक सेम नहीं होगा। और बच्चों, यूनिक वाले केस में, यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ए बी का रैंक तो सेम होगा, सेम रैंक, बट बच्चों इस केस में डिटर्मिनेंट ए हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और बच्चों, मैनी के केस में भी मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ए बी का रैंक सेम होगा, बट यहां पर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो होगा। तो बच्चों, ये हमारे तीन केस थे सॉल्यूशन के। अब बच्चों, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर चेक करना है कि इन तीनों केस में से हमारा कौन सा केस बनता है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम रब कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे विच कैन बी रिटन एज, इन इक्वेशन को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम इसके लिखेंगे कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड वाले, ओके। तो बच्चों, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन, तो यहां पर हम लिखते हैं वन। वाई का कोफिशिएंट है माइनस फोर, तो यहां पर हम लिखते हैं माइनस फोर। जेड का कोफिशिएंट है प्लस सेवन, तो यहां पर हम लिखते हैं सेवन। उसके बाद बच्चों, सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है थ्री, तो यहां पर हम लिखेंगे थ्री। वाई का कोफिशिएंट है प्लस एट, तो यहां पर हम लिखेंगे एट। एंड जेड का कोफिशिएंट है माइनस टू, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस टू। उसके बाद बच्चों, थर्ड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है सेवन, तो यहां पर हम लिखेंगे सेवन। वाई का कोफिशिएंट है माइनस एट, तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे माइनस एट। एंड जेड का कोफिशिएंट है ट्वेंटी सिक्स, तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे ट्वेंटी सिक्स, ओके। अब बच्चों, हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई में एक दूसरी मैट्रिक्स लिखनी है और उस मैट्रिक्स में हम लिखेंगे एक्स वाई जेड, जैसे कि मैंने आपको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के केस में भी बताया था। और बच्चों, यहां पर हमने डालना है साइन इक्वल का, और राइट हैंड साइड में जो ये एलिमेंट है 8 6 31, इसका भी हमने एक 3 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स रखना है बच्चों, 8 6 31, ओके बच्चों, ये हमारा हो गया।
अब बच्चों हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, और रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हमने फर्स्ट कॉलम में इस वन को छोड़ के 3 और 7 को 0 में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो बच्चों वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर बच्चों हम लगाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन बाय, अब देखें ये जो 3 है ये सेकंड रो में करता है एग्जिस्ट, तो यहाँ पर हम R2 में, ठीक है ना, R2 में हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, और हम कैसे इस 3 को 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, अगर बच्चों हम R2 से -3R1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो बच्चों ये 3 हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर हम इस 7 में, मतलब कि ये 7 R3 में एग्जिस्ट करता है, तो R3 में हम करेंगे चेंजेस, और R3 में अगर हम -7R1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो बच्चों ये 7 हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियोस में काफ़ी डिटेल में ये जो प्रोसेस है बताया हुआ है। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं कि इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, क्योंकि अगर मैं एक एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बच्चों यहां पर हमने चेंजेस करी है R2 और R3 में, इसका मतलब ये हुआ कि R1 हमारा एज इट इज़ रहेगा, तो R1 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1-4, 7, ठीक है बच्चों 1-4, 7। उसके बाद बच्चों हमने R2 में किया चेंजेस, और बच्चों R2 में रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमारे एलिमेंट्स आए 0-20-23, 0-20-23, और बच्चों R3 में रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमारे एलिमेंट्स आए 0-20-23। अब बच्चों ये जो सेकंड मैट्रिक्स है हमारी XYZ, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में। और बच्चों राइट हैंड साइड में अब यहाँ पर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी हमने R2 और R3 में चेंज करनी है। ये जो 6 एलिमेंट है बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहा है R2 को, और ये 31 जो एलिमेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है R3 को। इसका मतलब बच्चों ये हुआ 8 हमारा R1 है, R1 में एग्जिस्ट करता है, तो 8 में कोई चेंज नहीं होगी। जब बच्चों हमने यहाँ पर 6 पे ये वाली रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो 6 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों -18, और बच्चों 31 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा जब हमने ये वाली रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई -25। ओके बच्चों ये हमारा हो गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर हम एक लाइन लगा लेंगे और बाकी का पोर्शन हम राइट हैंड साइड में करेंगे। अब देखें बच्चों R2 और R3 आफ्टर अप्लाई R2 और R3 रो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ये दोनों सेम आ गए, R2 और R3 हमारे सेम आ गए। अगर ऐसा केस बन जाए तो हम क्या करते हैं कि R3 को हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, बाय हमने R3 में चेंज करनी, क्योंकि ये दोनों R2 और R3 रो हमारी सेम आ रही है, तो हमने R3 में करनी है चेंजेस, और बच्चों R3 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे R2। ठीक है बच्चों हम ये वाली रो ट्रांसफॉर्मेशन अब R3 में लगाएंगे। तो बच्चों ये भी हमने इस मैट्रिक्स के ऊपर और राइट हैंड साइड में इस मैट्रिक्स के ऊपर लगानी है। तो बच्चों हमने यहाँ चेंज करनी है R3 में, इसका मतलब ये हुआ कि R1 और R2 हमारी एज इट इज रहेगी। R1 बच्चों हमारी है 1-4, 7, और बच्चों R2 हमारा है 0-20-23। जब बच्चों हमने R3 में ये वाली रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो बच्चों हमारी R3 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 एलिमेंट्स में 0-0-0। उसके बाद बच्चों XYZ हमारा एज इट इज रहेगा, और बच्चों राइट हैंड साइड में भी जब हम R3 वाली रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 8-18 हमारी फर्स्ट रो और सेकेंड रो के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, और बच्चों थर्ड रो में हमारा यहाँ पर -7 आ जाए। ठीक है बच्चों ये हमारा आ गया। अब देखें बच्चों हमने क्या किया कि मोस्टली हमने एलिमेंट्स को इस मैट्रिक्स के अंदर 0 में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे हम कुछ नहीं कर सकते, आगे हम इसको यहीं छोड़ देंगे। अब बच्चों हमने चेक करना है, क्या चेक करना है कि इसका जो सोल्यूशन के टाइप्स थे ये किस सोल्यूशन टाइप्स को फॉलो कर रहा है। 3 थे टाइप्स, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन एंड मैनी सोल्यूशन। तो बच्चों वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए बी को फाइंड करके कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा मैट्रिक्स ए है, और बच्चों
जब इसको और इसको, ठीक है, ये मैट्रिक्स को और ये बी मैट्रिक्स को हम मर्ज कर देंगे तो ये मैट्रिक्स ए बी बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैट्रिक्स हमारा ए क्या है, यहां लिखते हैं मैट्रिक्स ए 1-4-7-0-20-23-0-0-0। एंड बच्चों मैट्रिक्स ए बी हमारा क्या है, मैंने बताया था पहले हमने मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को लिख लेना है, साथ में ही हमने मैट्रिक्स बी के एलिमेंट को लिख लेना है। तो 1-4-7-0-20-23-0-0-0 ये हुआ मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स, और बच्चों साथ में ही मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स 8-18 and -7। ठीक है बच्चों, ये हमारा। अब देखिए बच्चों, हमने इनका रैंक फाइंड करना है, जैसे कि बच्चों हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा था, तो इसलिए इसका हम रैंक फाइंड करेंगे। और रैंक हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स आ जाए, तो बच्चों जिन मैट्रिक्स में जितनी ज्यादा नॉन जीरो रोज होंगी उतने ही उसका रैंक होगा। जैसे कि बच्चों ये मैट्रिक्स ए है, इसमें फर्स्ट रो नॉन जीरो है, सेकंड रो नॉन जीरो है और थर्ड रो सारी जीरो है। तो बच्चों इसमें नॉन जीरो रो दो है, 1-2। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि रैंक को हम डिनोट करते हैं रो से। रो ए हमारा क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया, क्योंकि इसमें नॉन जीरो रोज 2 है, तो इसलिए रैंक हमारा कितना हो गया, ए का 2। सिमिलरली बच्चों अगर हम इसका रैंक फाइंड करें तो देखें 1-2-3, ये जो फर्स्ट रो है ये भी नॉन जीरो है, सेकंड रो है ये भी नॉन जीरो है, और थर्ड रो में तीन एलिमेंट्स तो जीरो हैं, लेकिन जो लास्ट एलिमेंट है ये नॉन जीरो है, तो मतलब थर्ड रो भी हमारी नॉन जीरो है। तो बच्चों ये मैट्रिक्स जो हमारी है ए बी, इसका रैंक बच्चों क्या आ गया, 3। तो देखिए बच्चों रैंक हमारा इक्वल नहीं आया, ठीक है, रैंक हमारा इक्वल नहीं आया, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये केस हमारा क्या है, नो सॉल्यूशन का। और अगर बच्चों नो सॉल्यूशन होता है, मैंने बताया था कि अगर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर सॉल्यूशन हम पता ना कर पाए जैसे कि नो सॉल्यूशन, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो बच्चों यहां पर केस बन रहा है नो सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये जो हमारा केस है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, ये क्या बन गया, इनकंसिस्टेंट। मैं यहां लिख देता हूं जगह कम है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको एग्जांपल फर्स्ट समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। channel, thank you.